हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीपीओ की जो नई सिलेबस है 2024 के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आई होप कि आप लोगों ने अपना अपना फॉर्म अप्लाई भी कर लिया होगा। तो चलिए इस सिलेबस को देखेंगे, पेपर वन में क्या पूछा जाएगा, पेपर टू में क्या पूछा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्रिस्टल क्लियर में बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं आपको आपके लिए जो है देवघर झारखंड से बना रहा हूं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके। जिसे आप बोल चाल की भाषा में सब्सक्राइबर बोलते हो, मैं उसे फैमिली बोलता हूं, तो ये फैमिली कहां तक पहुंची हुई है जरूर आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सीधे पीडीएफ यानी कि ऑफिशियल जो पीडीएफ इनके चैनल पे आई हुई है, आई मीन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हुई है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे काम करता हूँ तो चैनल ही मेरे दिमाग में रहता है। फिलहाल देखो पेपर वन की बात कर लेते हैं। पेपर वन में देखिए चार अलग अलग पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, या फिर 1 2 3 4 आप भी बोल सकते हो। पहला देख लो, आपको जनरल इंटेलिजेंस से सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से कितने नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर ही आपको मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स आपको दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे देख लो टोटल जो क्वेश्चंस है ना, वो आप एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 200 क्वेश्चन जो है आपको 200 क्वेश्चन 180 मिनट में, सॉरी 120 मिनट में कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ी बात है, 2 घंटे में आपको जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होगा। आगे देखिए जनरल नॉलेज और जो जनरल अवेयरनेस है यानी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका स्टैटिक्स जीके है वहां से सवाल बनेंगे कितने 50 क्वेश्चन, 50 नंबर ही आपको मिलेगा। आगे देख लेते हैं मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन और 50 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश से 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन ही यहां पे रहने वाले हैं। अगर आप पार्ट ए क्वालिफाई कर लेते हो या मेरिट में आ जाते हो, देन आप पेपर टू के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो, तो जो कि इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं। प्योरली इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 200 नंबर, और ये भी 2 घंटे का ही वक्त देगा। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूअसली गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स आपका जो है क्या होगा, कट जाएगा। आई होप कि इतनी बात तो आपको पता ही होगी। आगे बढ़े उससे पहले 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के सबसे बड़े जो ऊंची चोटी है, सॉरी बड़े नहीं ऊंची चोटी है, उसका नाम आप बताओगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वेस्टर्न घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। और थर्ड नंबर में इंडिया की जो बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है अलग अलग कंट्री के साथ लगती है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब एक एक करके सारे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। पेपर वन के सिलेबस को जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है और मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजों को बता देता हूं ताकि आप देख पाओ। बाय द वे आप स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ तो ले ही सकते हो। यहां से देख लो वर्बल से सवाल पूछे जाएंगे और नॉन वर्बल टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे आप अगर देखोगे तो जो एनालॉजी है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंस है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, नॉन वर्बल सीरीज है, मैं कुछ चीजों को देख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन है, यहां से सवाल बनेंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाएंगे, एनालॉजी भी रहने वाला है इसमें। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वर्ड बिल्डिंग है, सिमेटिक सीरीज है, सिंबॉलिक है, ये सब सवाल बनेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन से सवाल आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम से भी सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एड्रेस मैचिंग से सवाल पूछा जाएगा, डेट एंड सिटी मैचिंग से सवाल पूछा जाएगा, रोल नंबर है, इसके अलावा स्मॉल और कैपिटल लेटर से भी सवाल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, आपके जनरल अवेयरनेस को देखा जाएगा, आपके आसपास जो एनवायरमेंट में जो चीजें घट रही है उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो देखिए इंडिया के साथ साथ इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, यानी कि भारत के अलग अलग जो देशों के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा श्रीलंका भी है, तो इसके साथ हम लोगों के रिश्ते कैसे हैं, या फिर कहाँ पे कौन राष्ट्रपति बना, कौन प्रधानमंत्री बना, किस सरकार की पार्टी बनी, ये सबसे सवाल पूछे जाएंगे। बाय द वे करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको पर मंथ वाली मिलेगी, एक ही मंथ में हम लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे आपके साथ, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स से सवाल पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान से सवाल पूछा जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च से सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स वाले टॉपिक को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तो यहां से देख लो क्या क्या पूछा जाएगा, हॉल नंबर से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि
पूर्ण संख्या डेसिमल यानी कि दशमलव वाले, फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स परसेंटेज से सवाल पूछा जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट से सवाल पूछे जाएंगे, एवरेज से सवाल पूछा जाएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से सवाल पूछे जाएंगे, स्कूल अलजेब्रा जो कि आपने क्लासेस में पढ़ी है उससे सवाल पूछा जाएगा, एलिमेंट्री सर्ट्स इससे सवाल बनेगा, ट्रायंगल के अलावा ट्रायंगल के कितने प्रकार हैं, कॉन्ग्रुएंसी से सवाल आपको देखने को मिलेगा, सर्कल और इसके कॉर्ड से सवाल देखने को मिलेगा, टेंजेंट से भी सवाल देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल भी आपको पढ़कर जाना है, रेगुलर पॉलीगॉन भी पढ़कर जाना है, सर्कल राइट प्रिज्म भी पढ़कर जाना है, राइट सर्कुलर कॉन भी पढ़कर जाना है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से सवाल बनेगा, इसके अलावा पिरामिड और जो ट्रायंगुलर और जो स्क्वायर बेस है इससे भी सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, डिग्री रेडियन यानी कि 11th में जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है उससे सवाल बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और बार डायग्राम 9th-10th में जो पढ़ाया आपने, पाई चार्ट वगैरह उससे सवाल देखने को मिलेगा, इंग्लिश की बात करें तो कैंडिडेट इंग्लिश को कितना समझ पाते हैं उससे सवाल बनेगा, राइटिंग एबिलिटी उनकी चेक की जाएगी, पेपर वन की बात हो रही है, पेपर टू का सिलेबस देख लो ये बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा तो देखिए आपसे इंग्लिश की जो लैंग्वेज की जो स्किल अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे यहां पे चेक किया जाएगा, इसके अलावा वर्ब को कैसे आप यूज करोगे, प्रीपोजिशन को कैसे यूज करोगे, आर्टिकल, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर और एंटोनिम सिनोनिम्स तो सवाल पूछा ही जाएगा, और इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन से सवाल बनेगा, फ्रेज और इडियम वगैरह से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल तो बनेगा ही बनेगा। अब देख लीजिए जो हाइट वगैरह रखी गई है वो आप यहां से एक नजर दौड़ाकर देख सकते हो, आपको 100 मीटर जो है 16 सेकंड में कंप्लीट करना है, 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मीटर में कंप्लीट करना है, तो ये फिजिकल है बाद में होने वाला है, फिलहाल ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये आपको कंप्लीट करके जाना है। वीडियो यहां तक देख ली है, अच्छा लगा है तो एक बार प्यार से जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच।